स्टेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है। तो स्टेटिक्स में हमने ये देखा था कि हम जब उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में रहते हैं तो उसको हम बोल देते हैं स्टेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि हम जब उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो मोशन में है और बिना ये कंसिडर करे हुए कि उनके मोशन का रीज़न क्या है, है ना, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ देयर, द रीज़न ऑफ देयर मोशन, तो ऐसी उस चीज़ को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। फिर आते हैं डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं कि हम जब उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिसमें उनके मोशन का रीज़न को भी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डायनेमिक्स। फिर रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहता है मतलब जो रुका हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में जो मूव कर रहा है उसको हम बोल देते हैं कि मोशन। उसके बाद पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन भी है ना, तो ट्रेन जो है वो मान लीजिए कि 500 मीटर लंबी है ट्रेन, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि जो जर्नी है वो कितनी लंबी है, जर्नी अगर मान लीजिए हम बोलते हैं 50 किलोमीटर की है, तो 50 किलोमीटर और 500 मीटर, तो 50 किलोमीटर के सामने 500 मीटर तो बहुत छोटा सा है, तो इसलिए हम ये बोल देते हैं कि 50 किलोमीटर को कंसिडर करते हुए वो जो 500 मीटर की ट्रेन है वो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह छोटी सी, ठीक है। इसके बाद वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, वो जो स्ट्रेट लाइन में एक मोशन होता है उसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं। अच्छा, फिर है टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा सीधा चल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ भी रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और वर्टिकली भी ऊपर उठ रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि वो एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ भी जा रहा है, टू एरोप्लेन, तो ये टू डायमेंशनल हो गया। उसके बाद थ्री डायमेंशनल मोशन। ग्राफ इसके नहीं बता रहा, कोई अभी ज़रूरत नहीं है उसको। थ्री डायमेंशनल मोशन, तो थ्री डायमेंशनल मोशन जो है उसमें ये है कि एक एरोप्लेन है वो रनवे पर ऐसे दौड़ता है बहुत तेज़ी से जाता है, फिर धीरे से वो ऊपर उठ भी जाता है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और अब वो वर्टिकल भी जा रहा है, फिर आगे जाके वो ऐसे आगे की तरफ फ्रंट की तरफ मुड़ भी जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आगे आ रहा है यानी कि जेड एक्सिस। जेड एक्सिस यानी कि अब ये हमारे पास क्या हो गया, अब ये तीन डायमेंशन का मोशन हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, तो अब देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। जो डिस्टेंस है ये है ए, ये है सी और ये पॉइंट है बी। तो अब हमने क्या करा कि हम ए से स्टार्ट हमने करा, हम ए से स्टार्ट करके बी तक गए, ए से स्टार्ट करके हम बी तक गए और फिर हम बी से सी तक पहुंच गए, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी, सिर्फ ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन, वेक्टर जो है, वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और क्वांटिटी भी होती है, उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगी भाई, यहाँ पर तो हमारे पास देखिए इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, एक बार इधर गए एक बार इधर गए, मतलब और यहाँ क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ से ए से सी तक स्ट्रेट लाइन नहीं जाना, तो डायरेक्शन है, फिक्स्ड है। अब आगे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेंस स्टेशनरी और इट मूव्स फर्स्ट टुवर्ड्स राइट एंड देन एन इक्वल डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक डिस्टेंस आगे की तरफ चला और आगे की तरफ जाने के बाद फिर वापस पीछे की तरफ आकर वहीं पर आ गया, इनिशियल पोजिशन पर ही आ गया, तो हम ये बोलेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो है। कोई ऑब्जेक्ट सीधा जाता है तो मैं बोलूँगा उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर उल्टा आता है तो मैं बोलूँगा उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब देखिएगा इसमें ना हमने दो चार चीज़ें ऐसी करी थी, मैं दोबारा से सारा बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं फटाफट करवा रहा हूँ। उसमें हमने दो चार चीज़ें इसमें ऐसे करी थी, जैसे कि वेलोसिटी हम निकालते हैं,
वेलोसिटी जो हम निकालते हैं उसको हम बोल देते हैं डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपने डिस्प्लेसमेंट को एक्स से, एक्स मतलब पोजिशन होता है उसका, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। फिर एक टर्म था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आता है, अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, इतना हमने कर लिया था, ये बताने की जरूरत तो नहीं दोबारा, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें, इतना बताने की जरूरत तो नहीं है और बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, बता दीजिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को, बता दो भाई। आदित्य, दोनों आदित्य, सोमन, विभोर, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ से ना आप सीधा देखिए, अगर मैं इसमें ये देखूं, एग्जांपल नंबर 7 देखिएगा, मैंने ये न्यूमेरिकल करवाए थे या पेज नंबर 12 वाले? नहीं, ठीक है, तो पेज नंबर 12 पर जो न्यूमेरिकल है वो देखिए, एग्जांपल नंबर 7। उससे पहले भी न्यूमेरिकल है, शुरुआत के 6 न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो वाले, तो मैं आपको एग्जाम्पल, मतलब वो पूछे नहीं जाते, मैं एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पेज नंबर 12 जो है, यहाँ से पेज न्यूमेरिकल से स्टार्ट है। सर ये वाले करवा दिए, ये 7-8 करवा दिए ना मैंने, ये सब करवाए, क्योंकि वैसे मैंने रिवीजन क्लासेस में करवाए नहीं थे ना इसलिए। सर करवा दीजिए और एक बार उसी को याद। हाँ मैं करवाई हूँ एक्चुअली, रिवीजन के लिए मैंने करा था, मैंने एक बार मेन क्लास में करवाया हूँ, याद होते हैं है ना, कर लो कोई बात नहीं। दोबारा एग्जाम्पल 7 देखिए, इन्होंने बोला था पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। Where a is equal to 8.5, b is equal to 2.5 meter per second square and t is measured in seconds. T time होता है, वो seconds में ही measure करा जाता है। What is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 seconds? ठीक है, तो velocity निकालनी है, तो जैसे x दे रखा है, x क्या है, किसी भी object की position दे रखी है, तो velocity क्या होती है, dx by dt, है ना। अभी अभी हमने लिखा velocity क्या होती है, dx by dt, मतलब आपको x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ x, x क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर। अब a कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0, प्लस b कॉन्स्टेंट है उसके साथ जो दूसरा टर्म है वो है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2t। कैसे याद करिएगा, सीधा सीधा एक रिलेशन याद रखना है, x की पावर n है ना, तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब वेरिएबल जो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं ना वो वेरिएबल होता है, तो अब टी की पावर टू है ना, तो टी को टी मतलब एक्स की जगह टी है, बस ये समझ लीजिए, तो टी की पावर टू है तो क्या हो जाएगा, ये जो एन है ये फ्रंट में आ जाता है, यानी कि टू तो फ्रंट में आ गया, और टी और एन माइनस वन यानी कि पावर टू माइनस वन, ये क्या हो गया, टू टी हो गया। तो बी एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अगर अकेला लिखा जाता है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0, लेकिन कॉन्स्टेंट किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2t। तो b into 2 into t क्या हो गया, 2bt, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2bt। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स, तो आप ये कहेंगे v एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, तो 2 bt है, तो 2 into
2 into d की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2.5 है ना, और t की वैल्यू कितनी है 0, ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। फिर वो पूछ रहे हैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, पर 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 into d कितना है 2.5 और t कितना है 2 सेकंड्स, तो 2 into 2.5 5 5 10, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर वो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। नोट्स में नीचे देख लेना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस v बाई 2। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो u, u क्या हो गया, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। उन्होंने बोला कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बीच की आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड जो है ना, वो हमारे लिए क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड वाली वेलोसिटी में निकाल चुका हूं, ये है 10 मीटर पर सेकंड। फिर है v, v यानी कि v होती है ना फाइनल वेलोसिटी, v यानी कि v एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे, वही 2v और t की जगह डाल देंगे 4, 2 into b और t की जगह डाल देंगे 4, और b की वैल्यू दे रखी है 2.5 है, क्वेश्चन में दे रखी है, तो 2 into 2.5 is 5 ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ये u हो गया और ये b हो गया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे एवरेज वेलोसिटी is equal to u plus v by 2, कितना है 10, v कितना है 20 upon 2, 30 upon 2, 15 meter per second। ठीक है, इसके बाद example number 8 देखेंगे। Example number 8, the displacement in meter of a particle moving along x-axis is given by x is equal to (18t + 15t²). Calculate first instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds. Sir, वो 5t²। अच्छा, 5t²। क्या हो जाएगा dx/dt, मतलब इस ये जो पूरा टर्म है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 18 तो एज इट इज रहा, t का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, 15 एज इट इज रहा, t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2t, ये हो गया 18 + 30t। ये तो वेलोसिटी आ गई। वो क्या कह रहे हैं कि कहां निकालनी है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, v at t is equal to 2 seconds, t की जगह 2 डाल दीजिए, 18 plus 30 into 2, 32 is 60, 60 plus 18 is 78, मदद करेंगे कुछ, sorry, मैंने ये again 15t² लिख दिया, वो 5t² था, तो 5 into 2t is 10t, तो 10 × 20 = 38 मीटर पर सेकंड। उसके बाद सेकंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जो वेलोसिटी होगी उसी को हमने u बोल दिया, तो वो मैं निकाल चुका हूँ, कितना है 38 मीटर पर सेकंड। फिर v, v
वी होती है फाइनल वेलोसिटी, तो वी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, आई थिंक क्लियर है ना सभी को? तो फाइनल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड वो कितना हो जाएगा, वो कैसे निकलेगा भाई? टी इज इक्वल टू 3 वाला आप इसी एक्सप्रेशन में जो वेलोसिटी है इसमें टी की जगह 3 डाल दीजिए, है ना? तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड आ जाएगा, तो 18 प्लस 10 इनटू 3 तो 10 3 = 30, 30 प्लस 18 इज 8 मीटर पर सेकंड, ठीक? तो आपके पास वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड आ गया जिसको मैंने यू बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड आ गया जिसको मैंने वी बोल दिया फाइनल वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इन दोनों की, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? यू प्लस वी बाय 2 जैसे यहां पर करा था, यू प्लस वी बाय 2, ठीक है? देयरफॉर डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन है मैं कैसे करूं कैसे करूं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन का केवल और केवल, वैसे तो मैंने आपकी एक एक क्लास ली थी, पर डिफरेंशिएशन का केवल एक ही आपको फॉर्मूला ज़्यादातर जो यूज़ होगा एक ही फॉर्मूला होगा वो यही है टी की पावर एन, क्या बनता है एन टी की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बस यही फॉर्मूला। जैसे एक्स स्क्वायर है ये था ना टी स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया टू टी की पावर टी माइनस वन, 2t की पावर 2 माइनस 1 तो 2t बन गया, है ना? तो डिफरेंशिएशन से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मेजरली यूज्ड फॉर्मूला बस यही है डिफरेंशिएशन का, तो दिस इज ऑल डिफरेंशिएशन बस और कुछ नहीं है, तो उसको उसमें टेंशन मत लेना ज़्यादा। थर्ड पार्ट देखिए एक्सेलरेशन a, इसका फॉर्मूला होता है dv by dt, तो d by dt लिखेंगे पहले और फिर लिख देंगे v, ये v क्या है अभी तो कैलकुलेट करा v, v कितना आ गया था 18 + 10t, है ना? तो लिख दो यहाँ पर 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t। अब देखिए ये 18 एक कांस्टेंट है क्योंकि अकेला लिखा हुआ है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है जीरो, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना अकेला कांस्टेंट था a, a का डिफरेंशियल क्या था जीरो, है ना? तो अकेला 18 लिखा हुआ है तो 18 का डिफरेंशियल जीरो प्लस, अब ये कांस्टेंट 10 लिखा हुआ है 10, तो t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, है ना? तो ये मेरे पास आ गया 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका एक्सेलरेशन, ये बता, ठीक है? अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 भी इसी तरीके का है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। ओके देखिएगा the displacement x of a particle varies with time t as x is equal to 4t square minus 15 t plus 25, find the position velocity and acceleration of the particle at t is equal to 0, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, पहले इसका position निकालना है at t is equal to 0, position यही होता है x, velocity क्या होता है dx by dt, acceleration क्या होता है dv by dt, पोजीशन की बात हो रही है एट टी इज इक्वल टू 0 यानी कि पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर
माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, ठीक है ना। ये जो x वाला है ना पूरा एक्सप्रेशन, इसी में t की जगह 0 डाल दीजिए, जहाँ जहाँ पर t है उसकी जगह आप 0 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 0, ये भी 0 प्लस 25 मीटर, ये हो गया। फिर वो बोल रहे हैं वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, ये क्या हो गया d by dt of x, हाँ जी x क्या है 4t square minus 15t plus 25, फिर डिफरेंशिएशन का वही वाला फंडा, ये भाई 4 तो कांस्टेंट है जो कि एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर अकेला होता तो 0 कर देते उसको सीधा, तो इनटू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2t माइनस 15 कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशियल क्या होगा 1, टी का डिफरेंशियल 1 कैसे होता है, ये टी की पावर 1 है, तो टी की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 1 टी की पावर 1 माइनस 1, 1 टी की पावर 1 माइनस 1, तो एनीथिंग टू द पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा टी की पावर 0 हो गया, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, रिजल्ट क्या आ गया, बेसिकली टी का डिफरेंशियल जो है वो टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा वो बना है, ठीक है, तो इसलिए टी का डिफरेंशियल क्या होगा, हाँ जी 25 है कॉन्स्टेंट है जो अकेला लिखा होगा, इसका डिफरेंशियल इज 0, तो 8t माइनस 15 ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको वेलोसिटी निकालना है एट t इज इक्वल टू 0, तो v एट t is equal to 0 second, t is equal to 0 second, तो कैसे निकलेगा 8 into 0 minus 15, तो क्या हो गया minus 15 meters per second, minus 15 हम लोग आ रहे हैं velocity negative में कैसे आ गई, अगर x axis का ये direction positive है तो उल्टा direction में negative, तो minus 15 आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा फिर वो पूछ रहे हैं कि आपको acceleration निकालना है, acceleration कैसे निकलेगा, a is equal to dv by dt, हाँ जी v कितना था 8t minus 15, तो ये हो गया d by dt of 8t minus 15, तो 8 तो एक कांस्टेंट है, 8 को देखो as it is, और t का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 हो गया, और 15 अकेला लिखा हुआ है तो अकेले का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, ये रिजल्ट क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे कि भाई एक्सेलरेशन निकालना था t is equal to 0 सेकंड पर, तो t की जगह मुझे 0 भी तो डालना चाहिए था, अरे t की जगह 0 तब तो डालता जैसे यहाँ पर तो 8t माइनस 15 था, तो t की जगह 0 डाल दिया, यहाँ तो t आ ही गया, यहाँ तो कांस्टेंट है 8 आ रहा है, तो इसका मतलब आप t की जगह 0 कहाँ डालेंगे, 8 ही है, वही आंसर है ना। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आ गया तो 10 आ गया, ठीक है ना, अगर उसकी कोई वैल्यू आती मान लीजिए 10t आ जाता, तो क्या होता है कि जो भी टी की वैल्यू दी होती वो वहाँ डालते हैं, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर है, ठीक है, चलो जी अगला देखिएगा। अब वो बोल रहे हैं व्हेन विल द, इसी में पेज नंबर 12 पर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है व्हेन, और फिर 13 पर आ जाइए, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 एंड वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज 1 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन्होंने बोला कैन बी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज 1 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम ये कहेंगे यस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8 है ना, तो हम ये कहेंगे कि हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, वो कह रहे हैं कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, ये कैसे निकालेंगे इसको, व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है कब, कब का मतलब क्या होता है टाइम पूछ रहे हैं, कब होगा, कब 0 होगी उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने 8t - 15, तो वेलोसिटी को 0 के बराबर कर दो और टाइम की वैल्यू निकाल लो, बस हो गया, वो ये पूछ रहे हैं।
उसकी वेलोसिटी कब होगी जीरो? वेलोसिटी को जीरो के बराबर रख दीजिए, ठीक है, तो v इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखिएगा अब जैसे एग्जांपल नंबर 10 है, एग्जांपल नंबर 10 में दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस बार जो है हमको वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है एग्जांपल नंबर 10 में। कुछ नहीं ऐसी जो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है ऐसे निकालना। जब 2 सेकंड था तब वेलोसिटी कितनी होगी, तो v1 बोल दिया, v1 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये कितना होगा भाई? वेलोसिटी ही दे रखी है इस बार, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में x दे रखा था, इस बार वेलोसिटी ही दे रखी है, तो 2 इनटू हां जी t की वैल्यू कितनी है, 2 2 इनटू 2 का स्क्वायर इज 5, 2 का स्क्वायर 4 होता है 8 इज 5 30 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये 4 सेकंड है तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 32 प्लस 5 37 मीटर पर सेकंड। वो कह रहे थे कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी है उसका चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी इज फॉर्मूला होता है
इनिशियल वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में टाइम गैप कितना है? 2 सेकंड का गैप है। तो आप यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट में एवरेज एक्सेलरेशन, a is equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1. v2 कितना निकाला? 37, v1 कितना निकाला? 13, by change in velocity upon time taken, ठीक है? ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, देखिए acceleration आपने ये first equation of motion v is equal to u plus at ninth class में करी होगी। अब u को इधर ले आओ तो v minus u is equal to at हो जाता है, पर t को इधर ले आओ v minus u क्या है? change in velocity upon time taken, तो acceleration ऐसे ही निकलता है, change in velocity upon time taken है ना, ऐसे ही निकलता है। तो वही कर रहा हूँ मैं, v2 final velocity या v1 initial velocity, v2 minus v1 upon t2 minus t1 मतलब 37 minus 30 upon time taken कितना है? 4 minus 2, 37 minus 13 is 24. एक्सेलरेशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो भाई क्लियर। उसके बाद वो कह रहे हैं थर्ड पार्ट में द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड, कि 4 सेकंड पर एग्जैक्टली 4 सेकंड पर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए। तो फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv by dt निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो a is equal to dv by dt is equal to v by dt of t square plus 5, और 2 तो कांस्टेंट है, और t square का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2t और plus 5, सॉरी 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो होता है, तो ये 4t आ गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, वो पूछ रहे हैं, तो a ब्रैकेट में है एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, क्या हो जाएगा? 4 * 4 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? क्या करिए, ये जो एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 11 और 12 हिंट देकर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं छोड़ रहा हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल नंबर 11 में बस एक हिंट दूंगा, और जो 12 है, 12 आप कर सकते हैं, चलो देखना अगर हो जाए तो, नहीं हो तो छोड़ देना, मैं करवा दूंगा इसको। 11th का एक हिंट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11 में उन्होंने दिया t is equal to root x plus 3। अब वो वेलोसिटी वगैरह पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी इसकी कब जीरो होगी, तो भाई वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास ना x होना चाहिए, यहाँ तो t दे रखा है, क्या करेंगे? root x is equal to क्या हो गया? t minus 3, squaring both sides, तो ये क्या हो जाएगा? x is equal to t minus 3 का whole square, इसको expand कर देना, t square plus 9 minus 60 आ जाएगा, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाल देना, फिर उसको जीरो के बराबर रख देना, टी की वैल्यू जो पूछा जाए आगे का आप अपने आप करना, ठीक है? तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल 12 अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों से ना हो, मैं करवा दूँगा। उसके बाद अब देखेंगे हम काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशंस ये क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये ना तीन तरीके से ये डिराइव होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। पहला तरीका मैथमेटिकल मेथड, इक्वेशंस ऑफ मोशन।
देखिएगा, पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये प्रूव कर रहे हैं, देखिएगा प्रूफ। सिंस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हो गया। अब t को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो at इज इक्वल टू v माइनस u, माइनस u को इधर ले आओ प्लस u बन जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू v, पलट कर लिख दो, ये हो गया v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो देखिए, s is equal to ut plus half at square, ये सेकंड इक्वेशन होती है, इसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अप टू टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इन टू टाइम टेकन। अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस तरह से निकालेंगे, s is equal to average velocity कैसे निकलेगी, निकाल कर देखा u plus v by 2 है ना, तो u plus v by 2 multiplied by time taken, time taken तो मैंने बोल दिया t, ये हो गया। अब हम पहली equation derive कर चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे s is equal to u plus v की जगह क्या लिख देंगे, u plus v वाले तीनों बच्चे बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी थर्ड इक्वेशन देखते हैं जरा फटाफट। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसका भी प्रूफ ऐसे ही लिखेंगे, इसकी भी स्टार्टिंग सेकंड इक्वेशन की तरह ही होगी। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2 इनटू टाइम टेकन क्या है t। फिर क्या करेंगे,
एस इज इक्वल टू, ये जो यू प्लस वी है इसको लिखो वी प्लस यू बाई टू, और जो टी है ना इसको लिखो वी माइनस यू अपॉन ए, यहाँ लिखना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, यू को उधर ले जाओ, ए टी इज इक्वल टू ई माइनस यू, तो टी कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई v माइनस यू अपॉन ए, तो s इज इक्वल टू, अब ये u प्लस v को जान बूझ कर पलट कर v प्लस यू लिख दिया था, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू इंटू ए इज टू ए, टू ए को इधर मल्टीप्लाई करिए क्या हो गया टू एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, पलट कर लिख दो v स्क्वायर इधर और u स्क्वायर प्लस 2as उधर, तो ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड इक्वेशन का प्रूफ, बताइए क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो आप आज इतना ही कर लीजिए, मैं कल भी इसकी एक क्लास लूँगा और मोस्ट प्रोबेबली फिर ये टाइम रखूँगा रात में ना 9:15 बजे का टाइम, और जो है इसके दो मेथड्स और, दो मेथड्स वो भी करूँगा एग्जाम में ना पूछे जाते हैं, ठीक है, बताइए जी क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों को, यस सही है। चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू सर, ओके।